कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में गुरुवार को इसके दो मामले सामने आए, तो वहीं आंध्र प्रदेश सरकार विदेश से लौटे 60 लोगों में से 30 लोगों की तलाश कर रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए इन 30 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट होना है, लेकिन ये लोग गायब बताए जा रहे हैं। दरअसल अफ्रीका से आए 9 लोगों को मिलाकर करीब 60 पैसेंजर पिछले 10 दिनों में विशाखापत्तनम पहुंचे हैं। इनमें से 30 फिलहाल विशाखापत्तनम में रुके हुए हैं, जबकि बाकी 30 राज्य के अलग अलग जगहों के लिए निकल चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उन्हें ट्रेस करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इनमें से कुछ लोग फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे। वहीं राजस्थान में भी ओमिक्रॉन का खतरा दिख रहा है। यहां 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक परिवार के 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें दंपत्ति समेत उनकी 2 बच्चियां 8 और 15 साल जिनकी उम्र है पॉजिटिव मिले हैं। फिलहाल आनन फानन में सभी को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए क्वारंटीन किया गया है। इनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट माने जा रहे ओमिक्रॉन के 2 मामले जब कर्नाटक में कल मिले तो दहशत का माहौल पैदा हो गया। इसके अलावा गुजरात के जामनगर में भी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक 72 साल के बुजुर्ग को ओमिक्रॉन संदिग्ध की कैटेगरी में रखा गया है, जो हाल ही में जिम्बाब्वे से लौटे हैं। भारत में 2 ओमिक्रॉन संक्रमितों के मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है। बता दें कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक 30 देशों में लोग संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक 375 लोग इस वेरियंट की चपेट में आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।